हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज की जो क्लास है वो नाउन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। और नाउन का जो मेन टॉपिक है आज का वो है नंबर। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ कॉल्ड नंबर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वचन। क्या बोलते हैं? वचन। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने शायद हिंदी और संस्कृत में पढ़ा होगा कि अगर कोई एक चीज़ है कहीं पर तो उसको एक वचन बोलते हैं, कहीं पर दो है तो उसको दो वचन कहते हैं, और अगर दो से ज़्यादा है तब आता है बहुवचन। बट गाइज, इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में ओनली देर आर टू नंबर्स, देर आर जस्ट टू नंबर्स। फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल। सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। और गाइज, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल में वर्ड्स को चेंज करते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, और क्या तरीका होता है, क्या उनके एक्सेप्शंस होते हैं, यानी अपवाद क्या होते हैं। तो गाइज, वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ जुड़े रहिए अंत तक। देखते हैं आज का पहला रूल। तो देखिए, हमारा जो रूल नंबर वन है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली जो प्लूरल फॉर्म करने का तरीका होता है वो किसी वर्ड में हम एस को ऐड कर देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, बॉय, कैट, रैट और पैट, ये बहुत ही कॉमन वर्ड हैं जिनमें हम सिंपली क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे और उनका प्लूरल आपके हाथ में आ जाएगा। कैट में हमने एस लगाया, कैट्स हो गया। रैट में एस लगाया तो हो गया रैट्स, और पैट में एस लगाया तो हो गया पैट्स। मतलब ये कि सामान्य जो रूल होता है इंग्लिश में प्लूरल बनाने का वो यही है कि किसी भी वर्ड में हम एस ऐड कर देते हैं और वो वर्ड प्लूरल में चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते रूल नंबर टू की तरफ। तो गाइज, जो हमारा रूल नंबर टू है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गैस, किस, वॉच, ब्रश एंड द लास्ट वन इज टैक्स। तो इसका जो रूल बनेगा वो यही है, अगर किसी नाउन के अंत में आपको एस दिखता है या एस एस डबल एस दिखता है, अगर सी एच दिखता है, अगर एस एच दिखता है या फिर एक्स दिखता है, तो उसका प्लूरल बनाते समय हमको याद रखना दैट वी हैव टू ऐड ई एस टू द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या ऐड करना है? ई एस। गैस में हम ई एस ऐड करेंगे तो हो जाएगा गैसेज। किस में ई एस ऐड करेंगे तो हो जाएगा किसेज। वॉच में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, इट विल बी वॉचेज। ब्रश में भी वही करना है, इट विल बी ब्रशेज। एंड द लास्ट वन इज टैक्स, सो इट विल बिकम टैक्सेस। अब इस तरीके का कोई भी वर्ड अगर आपको दिखता है तो वहाँ पर आपको सेम रूल फॉलो करना है। लाइक अगर कहीं पर आपको बॉक्स दिखता है, लास्ट में एक्स आया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बॉक्सेस। क्या करेंगे? बॉक्सेस। अगर कहीं पर मैच आता है, एम ए टी सी एच, सी एच दिख गया आपको लास्ट में, तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, मैचेस। सीधा आप ई एस लगाएंगे, ओके। ई एस विल बी ज्वाइंड एवरीवेयर टू मेक द प्लूरल व्हेन द वर्ड्स एंड विद एस डबल एस सी एच एस एच और एक्स। ओके गाइज, तो ये था आपका रूल नंबर टू। जो हमारा रूल नंबर थ्री, उसमें आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं उसके, पोटैटो, बुलकैनो, बफेलो एंड द हीरो। आप इसमें देखेंगे सारे वर्ड्स जो हैं वो ओ से एंड हो रहे हैं। तो आप इसके रूल के बारे में ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट एंड इन ओ, अधिकतम शब्द जो ओ से खत्म होते हैं उन सारे वर्ड्स में हमको ई एस एड करना होता। लाइक पोटैटो विल बिकम पोटैटोज, ई एस ऐड करेंगे इसमें। सेम विल हैपन टू वोल्केनो एंड सेम पैटर्न विद बफेलो एंड द सेम पैटर्न विद हीरो, इट विल बी हीरोज। सभी में हमने क्या ऐड किया, ई एस को ऐड किया। तो आपको ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द कॉमन वर्ड्स जो होते हैं जिनको जिनके लास्ट में अगर ओ आपको दिख रहा है तो आपको उनमें ई एस लगाना है। बट गाइज, There is an exception to this rule. इस रूल में आपको कुछ exception भी दिखेगा, वो क्या है मैं बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो exception है यानी जो अपवाद है वो किन words पे apply होगा। आप देख सकते हैं, photo, bamboo, piano, cuckoo, commando and the last one is memento. Memento क्या होता है? अगर कोई यादगार वस्तु है तो उसको बोलते हैं memento. किसी event की या किसी व्यक्ति की आप याद में कोई वस्तु रखें तो उसको बोलते हैं memento. क्या बोलते हैं? memento. All these words take only s while becoming plural. आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ आ रहा है तो उसमें हमको ई एस लगाना। बट गाइज, दीज वर्ड्स आर द एक्सेप्शन। क्या है ये वर्ड्स हमारे एक्सेप्शन है। आपको यहाँ पर स्टार मार्क करके रखना है। फोटो का जो प्लूरल बनेगा दैट विल सिंपली बी फोटोज, इसका बनेगा बैम्बूज। मीन टू से हमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करना है। पियानो में भी वही रूल अप्लाई होगा, पियानोज हो जाएगा। एंड कुकू में भी वही, आपको सिर्फ एस लगाना है। कमांडोज, कमांडो विल बिकम कमांडोज एंड द लास्ट वर्ड मेमेंटो विल बिकम मेमेंटोज।
तो गाइज हमारा जो रूल नंबर 4 है उसमें मैंने सबसे पहले एग्जांपल्स आपके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बॉय, टॉय, की, डे, जॉय एंड दीज आर बेबी, आर्मी, लेडी, स्टोरी एंड सिटी। अब इन वर्ड्स में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। द सिमिलैरिटी इज दैट ऑल द वर्ड्स आर एंडिंग विद वाई। सारे शब्दों के अंत में क्या दिख रहा है आपको? वाई। लुक हेयर, वाई 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 एंड हेयर ऑल्सो यू विल फाइंड वाई एवरीवेयर इन द एंड ऑफ द वर्ड। बट गाइज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। वॉट इज द डिफरेंस गाइज? आपको यहाँ पर एक स्वर दिखेगा। क्या दिखेगा? स्वर। मतलब जो हमारा पहला रूल इसको लेकर है वो यही है कि अगर किसी वर्ड में लास्ट में वाई आ रहा है और इसके ठीक पहले कोई वॉवल साउंड आ रहा है, वॉवल यानी स्वर आ रहा है, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एस। बॉय विल बिकम बॉयज, टॉय विल बिकम टॉयज, की का कीज हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा और जॉय का जॉयज हो जाएगा। आपको सिंपली याद रखना है अगर लास्ट में वाई आ रहा है उसके पहले वॉवल साउंड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एस ऐड करना। बट गाइज हेयर द पैटर्न विल बी डिफरेंट। हेयर द वर्ड्स एंडिंग विद वाई प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। मतलब ये कि लास्ट में वाई आ रहा उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन आ रहा। तो इसमें जो रूल होता है वो क्या होता है? आपको सिंपली लास्ट का जो बाय है उसको रिमूव करना है और आई ई एस को ऐड करना है। सेम विल हैपन हेयर ऑल्सो। आर्मी वाई हटाकर आई ई एस लगाएंगे। सेम विल हैपन हेयर ऑल्सो। लेडीज स्टोरी में क्या करेंगे? वही काम करना है, वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। सिटी में भी वही करना है, सी आई टी आई ई एस। ओके गाइज यू कैन से दीज वर सम ऑफ द रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसमें मैं आपको और भी रूल्स बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।